पटेल जयंती के अवसर पर देश भर में यूनिटी ऑफ रन का आयोजन हुआ। केंद्र और बीजेपी शासित राज्यों ने इस अवसर पर लगभग प्रत्येक विधानसभा में इसका आयोजन किया। हिमाचल प्रदेश के ऊना में भी यूनिटी ऑफ रन के लिए दौड़ लगी, लेकिन इस मौके पर ऊना के गगरेट से बीजेपी विधायक राजेश ठाकुर ने रियासतों के विलय के जरिए देश निर्माण में वल्लभ भाई पटेल के योगदान को याद करते हुए कश्मीर समस्या के लिए देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को जिम्मेवार बताया। उन्होंने कहा कि रियासतों के विलय के समय यदि नेहरू गलती नहीं करते और कश्मीर का भी विलय देश में हो जाता तो कभी भी कश्मीर समस्या उत्पन्न नहीं होती, जिसके लिए नेहरू जिम्मेदार हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसी शख्सियत हमारे देश में जन्म लेकर इस देश को गौरव प्राप्त है कि ऐसी शख्सियत ने जन्म लिया है कि जिन्होंने एक इस देश की रियासतों को अलग अलग रियासतों को इकट्ठा करने के लिए पूरा अपना योगदान दिया और आज हिंदुस्तान इकट्ठा है। सिर्फ एक रियासत हमसे छूटी, कश्मीर, जिसका हालात क्या बने हुए हैं आप सब जानते हैं। अगर वो भी उस वक्त विलय हो गई होती, ये गलती नेहरू जी ने ना की होती, तो वल्लभ भाई पटेल जी ने हिंदुस्तान को एक कर दिया था। वहीं प्रदेश के पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने देश को एक सूत्र में पिरोने का श्रेय वल्लभ भाई पटेल को दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वल्लभ भाई पटेल की सोच को आगे बढ़ाने का श्रेय दिया। रन फॉर यूनिटी आज पूरे देश के अंदर जो है राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में ये दौड़ जो है वो लगाई जा रही है, क्योंकि आज राष्ट्रपुरुष और इस देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती है, जिसे एकता दिवस के रूप में जो है वो मनाया जा रहा है, ताकि नौजवानों को और इस देश की आने वाली पीढ़ी को ये बताया जाए कि किस तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने इस राष्ट्र को जो था वो एकता के सूत्र में जो है वो पिरोने का काम किया था और किस तरह से जो है वो इस देश को जो है वो हमारे क्रांतिकारियों ने, हमारे देश के नेताओं ने जो था वो गुलामी से जो थे वो आजादी की और इस देश को लेकर के गए थे। मैं धन्यवाद करता हूं इस देश के प्रधानमंत्री जी का कि जिन्होंने जो है वो 2014 जैसे ही एनडीए की गवर्नमेंट आई थी तो इस दिन को जो है वो मनाने का जो है वो निर्णय लिया है और इसके शुभ अवसर पर मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं।